यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से साफ हो गया है कि लोगों का भरोसा अभी भी मोदी और शाह की जोड़ी पर टिका हुआ है। यूपी में बीजेपी इतिहास रचने जा रही है, वहीं गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार वापसी कर रही है। ऐसे में विपक्ष के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। बीजेपी की जीत की गूंज महाराष्ट्र में भी सुनाई देने लगी है। माना जा रहा है कि बीजेपी की जीत महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी उद्धव सरकार को घेरने की तैयारी में है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने संकेत दिया था कि 10 मार्च के बाद महाराष्ट्र में बड़ा खेला होगा। ऐसे में यूपी समेत दूसरे राज्यों में जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि मतदाताओं ने बीजेपी पर जमकर भरोसा किया है। वहीं बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ठाणे और उसके आसपास के इलाकों में भारी संख्या में हिंदी भाषी लोग हैं जो बीजेपी को एक विकल्प के तौर पर चुन सकते हैं। महाराष्ट्र में इस साल निकाय चुनाव होने हैं। एमवीए नेता इस बात को मानते हैं कि अपनी सफलता से उत्साहित बीजेपी महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना में नाराज लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर सकती है। कांग्रेस नेताओं का भी मानना है कि बीजेपी एमवीए सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर सकती है। वो शिवसेना और एनसीपी में असंतुष्ट लोगों को तोड़ने की कोशिश कर सकती है, जबकि शिवसेना नेताओं का मानना है कि मुंबई और उससे लगे अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में मौजूद गैर महाराष्ट्रीयन मतदाताओं की वजह से नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी के खड़े होने की संभावना है। वहीं शिवसेना को अपने मूल और सहायक वोट बैंक को बरकरार रखना एक चुनौती हो सकती है। बता दें कि लगातार 5 बार शिवसेना का बीएमसी पर कब्जा है। साल 1997 से शिवसेना बीएमसी पर कब्जा कर रखी है। हालांकि इस बार के बीएमसी चुनाव में परिस्थिति अलग हो सकती है, क्योंकि एमवीए सरकार में भी खटपट जारी है तो दूसरी तरफ बीजेपी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजर अघाड़ी के नेताओं पर है और बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद कार्रवाई में और तेजी आ सकती है, जिससे अघाड़ी नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।